हरियाणा के चुनाव प्रचार में बढ़ी सियासी गर्मी। सोनीपत में राहुल गांधी ने कहा, मोदी जी सिर्फ अडानी अंबानी की मदद करते हैं। जितना पैसा मोदी जी अडानी अंबानी को देंगे, हम उतना पैसा किसानों गरीबों को देंगे। हरियाणा के पलवल में पीएम मोदी की रैली, विपक्ष पर हमला। बोलते हुए कहा, कांग्रेस झूठ की राजनीति करती है। कांग्रेस ने हरियाणा के लोगों को सुविधाओं से वंचित रखा। आईएनएलडी नेता अभय चौटाला ने बीजेपी और कांग्रेस पर साधा निशाना। कहा, जो अब बड़ी बड़ी घोषणाएं कर रहे हैं वो अब तक कहां थे। लोगों से कहा, मीटर उखाड़कर फेंक देंगे, बिजली फ्री कर देंगे। मुंबई में बीजेपी कार्यकर्ताओं के सम्मेलन में अमित शाह का बड़ा बयान। सूत्रों के मुताबिक अमित शाह ने कहा कि 24 में महायुति की सरकार चलानी है, लेकिन 2029 में शुद्ध रूप से कमल खिलाना है। जिस कमरे में गोविंदा को गोली लगी, उस कमरे का पंचनामा मुंबई पुलिस करेगी। कमरे में किसी भी व्यक्ति की एंट्री पर पुलिस ने रोक लगाई, घर वालों का बयान भी दर्ज करेगी। गोविंदा से महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे ने फोन पर बात करके उनका हाल जाना। गोविंदा ने ऑडियो संदेश जारी कर कहा, खतरे से बाहर हूं, सभी लोगों का प्रार्थनाओं के लिए धन्यवाद। बुलडोजर एक्शन पर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा। कहा, आखिरी विकल्प के तौर पर ही मकान पर चले बुलडोजर, अपराध का दोषी होना घर गिराने का आधार है। दिल्ली में मूर्ति विवाद पर हाईकोर्ट की सख्त टिप्पणी। ईदगाह कमेटी से पूछा, रानी लक्ष्मीबाई की मूर्ति से नमाज में क्या दिक्कत, वो राष्ट्रीय नायिका है। यूपी के गाजियाबाद में जबरन धर्म परिवर्तन का मामला। क्रॉसिंग रिपब्लिक इलाके में एक महिला ने लगाया ईसाई धर्म अपनाने के लिए जोर डालने का आरोप। हिंदू संगठनों के हंगामे के बाद केस दर्ज। यूपी के शामली में एक्सिस बैंक में 40 लाख रुपए की लूट। बैंक के अंदर पहुंचे बदमाशों ने बैंक मैनेजर को गन पॉइंट पर लेकर वारदात को अंजाम दिया। सीसीटीवी में रिकॉर्ड वारदात। दिल्ली की बिगड़ती कानून व्यवस्था के लिए दिल्ली की आम आदमी पार्टी सरकार ने फिर उठाए एलजी पर सवाल। त्योहारों के समय भीड़ पर पाबंदी को लेकर भी एलजी को घेरा। एमपी के भिंड में मनोज श्रीवास नाम के एक युवक ने कुतुबे के लिए फर्जी लेटर बनाकर खुद को घोषित कर दिया। राज्य राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग नियम का अध्यक्ष स्थानीय भाजपा नेता द्वारा शिकायत के बाद पोल खुली। प्रयागराज में ट्रेनी डॉक्टर की संदिग्ध मौत की गुत्थी और उलझी। हत्या या आत्महत्या, बढ़ा सस्पेंस। प्रेमिका से ब्रेकअप के बाद डॉक्टर सुसाइड का शक था, लेकिन परिवार ने दर्ज कराई है हत्या की एफआईआर। कोलकाता में डॉक्टर्स ने कॉलेज स्क्वाड से लेकर रविंद्र सदन तक मार्च निकाला। आर्जीकर मेडिकल कॉलेज केस को लेकर मांगे पूरी करने को कहा। केंद्रीय परिवहन मंत्री ने छत्तीसगढ़ की सड़कों के विकास के लिए 11,000 करोड़ की मंजूरी दी। सीएम विष्णुदेव साय ने कहा, सड़कों के विकास से छत्तीसगढ़ की औद्योगिक और व्यापारिक गतिविधियों को मिलेगी नई दिशा। जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव के अंतिम चरण में 40 सीटों के लिए मतदान जारी। 5 बजे तक हुआ करीब 66% मतदान। जम्मू कश्मीर में मतदान के दौरान दिखी सोपोर मतदान केंद्र पर सुखद तस्वीर। आतंकियों के परिजनों ने की बंदूक छोड़कर राष्ट्रीय मुख्यधारा से जुड़ने की अपील। एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक को दिल्ली पुलिस ने 150 साथियों के साथ हिरासत में लिया। अपनी मांगों को लेकर दिल्ली आए हैं सोनम वांगचुक। दिल्ली में सोनम वांगचुक की गिरफ्तारी को लेकर लद्दाख में केडी और एबीएल गठबंधन ने बंद का ऐलान किया। दुकानें भी बंद थी। दिल्ली की सीएम आतिशी ने सराय कालेखां इलाके में सड़कों का निरीक्षण किया। 2-3 दिन में टूटी हुई सड़कों को ठीक करने का आश्वासन। लखनऊ में विजिलेंस की टीम की कार्रवाई से मचा हड़कंप। यूपी जल निगम के 5 अधिकारियों के ठिकानों पर रेड। आय से अधिक संपत्ति से जुड़ा है ये मामला। सनातन हिंदू मंदिरों से साईं बाबा की मूर्ति हटाने का काम शुरू। सनातन रक्षक दल ने वाराणसी के बड़ा गणेश मंदिर सहित 14 मंदिरों से साईं की मूर्ति हटवाई। तिरुपति के लड्डू विवाद की एसआईटी जांच पर 3 अक्टूबर तक रोक। सुप्रीम कोर्ट की अगली सुनवाई को लेकर फैसला। मुडा जमीन घोटाले में केस दर्ज होने के बाद सीएम सिद्धारम अय्यर ने दी सफाई। कहा, मुझे नहीं पता मुझ पर केस क्यों दर्ज किया गया, इसमें मेरा रोल क्या है। जमैका के प्रधानमंत्री एंड्रयू होलनेस ने दिल्ली में पीएम मोदी से मुलाकात की। द्विपक्षीय संबंधों पर बातचीत हुई। पीएम मोदी ने कहा, 4C यानी कल्चर, क्रिकेट, कॉमनवेल्थ और कैरिकॉम हमारे संबंधों की विशेषता है।
ऑयल मार्केटिंग कंपनियों ने कमर्शियल एलपीजी गैस सिलेंडर की कीमतों में इजाफा किया। 19 किलोग्राम वाले सिलेंडर की कीमत 48.50 रुपए बढ़ाई गई है। 5 किलो वाले सिलेंडर की कीमत में भी 12 रुपए का इजाफा। लखनऊ में खेल सम्मान कार्यक्रम में शामिल हुए सीएम योगी। योगी ने खिलाड़ियों को दी ज्यादा स्मार्टफोन न चलाने की नसीहत। कहा खिलाड़ी जीत जितना पसीना बहाएंगे ओलंपिक में विरोधियों का भी उतना ही पसीना बहा दें। कानपुर टेस्ट में भारत की शानदार जीत। भारत ने बांग्लादेश को 7 विकेट से हराया। भारत का बांग्लादेश के साथ टेस्ट सीरीज में क्लीन स्वीप। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने दरभंगा और सीतामढ़ी में बाढ़ प्रभावित इलाकों का हवाई सर्वेक्षण किया। दौरे के बाद नीतीश कुमार ने कहा बाढ़ में फंसे लोगों की मदद के लिए फौज की मदद ले, आज से ही पीड़ितों तक जरूर सुविधाएं पहुंचाने के निर्देश। बिहार के सीतामढ़ी में रेस्क्यू के लिए पहुंचे एयरफोर्स के हेलीकॉप्टर। बाढ़ में फंसे लोगों को एयरलिफ्ट कर पहुंचाई जाएगी मदद। बिहार के सीतामढ़ी और शिवहर में बाढ़ से बिगड़े हालात। एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीम बाढ़ प्रभावित इलाकों में लगातार चला रही है रेस्क्यू। दरभंगा के कीरतपुर प्रखंड में एनडीआरएफ की टीम रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए पहुंची। सुरक्षित बाहर निकालकर ऊंचे स्थानों पर ले जाने की कवायद शुरू। बांध टूटने से कई गांव बाढ़ की चपेट में। बिहार के मिथिलांचल में कोसी का कहर। दरभंगा में बांध टूटने से बाढ़ की चपेट में कई गांव आए, लोगों की आबादी प्रभावित। गांव में पानी आने के बाद लोग सड़कों पर किसी तरह गुजारा करने को मजबूर। लोगों के सामने खाने पीने का संकट है। पीड़ितों को सरकार मदद का इंतजार है।